आखिरकार शाहरुख खान ने अपने फैंस को बहुत ही तड़पाने के बाद में आज जवान का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर जैसे सोचा था ठीक वैसे ही निकल कर आया है। डायरेक्टर इटली के निर्देशन में बनी जवान के ट्रेलर में शाहरुख खान के साथ में नयनतारा, विजय सेतुपति और दीपिका पादुकोण के हल्के हल्के दर्शन देखने को मिले हैं। तो चलिए बिना देरी के जवान के ट्रेलर के ऊपर सीधी सीधी बात करते हैं। क्या जवान का ट्रेलर फैंस की उम्मीदों के ऊपर खरा खरा उतरा है? फैंस की नजर से देखा जाए तो ये ट्रेलर उनके लिए एक जबरदस्त मेजबानी के तौर पर देखा जा सकता है। एक राजा था और वो अपनी जंग एक के बाद एक हारता गया। इस शाहरुख खान की वॉइस ओवर से ट्रेलर की शुरुआत होती है। ट्रेलर में बॉलीवुड के साउथ इंडस्ट्री के एक से बढ़कर एक सुपरस्टार के दर्शन दिखना चालू हो जाते हैं। शुरुआत शाहरुख खान से होते हैं, उसके बाद में विजय सेतुपति, नयनतारा, दीपिका पादुकोण, सानिया मल्होत्रा, रिधि दोंगरा से लेकर सुनील ग्रोवर तक सभी के सभी देखने को मिलते हैं। ट्रेलर के हिसाब से देखा जाए तो जवान की कहानी एक बार फिर से देश को बचाने की मूवमेंट की दिख रही है, जिसका ओवरऑल लुक साउथ स्टाइल ही होगा लेकिन प्रेजेंटेशन बॉलीवुड स्टाइल निकल कर आने वाला है। काली जैसे आम डीलर देश को बेचने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यहाँ पे हीरो के भी तेवर कम नहीं है। कम से कम ट्रेलर में हमें शाहरुख के 8 से 9 गेटअप देखने को मिल रहे हैं। ये ट्रेलर वाले किरदार फिल्म की कहानी को एक अलग ही अंदाज दे देते हैं। ट्रेलर में शाहरुख का डबल रोल देखने को मिला है, जिसमें एक पूरी तरह से शाकाल लुक में है जो मेट्रो को हाईजैक करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरा लुक फौजी के अंदाज में दिख रहा है। इस किरदार के साथ में साउथ के एक्ट्रेस नयनतारा भी दिखने वाली है। जवान एक पूरी तरह से मसाला और फुल एंटरटेन टाइप की फिल्म होने वाली है और इसका सबूत आपको ट्रेलर के हर एक सीन में बार बार देखने को मिलता है। ट्रेलर में शाहरुख खान और अन्य किरदारों का फिल्म की कहानी में क्या हिस्सा होने वाला है, इससे थोड़ा भी पर्दा नहीं उठता है। यहाँ पे इटली ने किस तरह से ट्रेलर को मैनेज किया है ये पूरी तरह से देखने को मिलता है। जवान का ट्रेलर देखने के बाद में मन में कई सारे सवाल उठ जाते हैं और यही सवाल आपको फिल्म देखने के लिए पूरी तरह से एक्साइट कर ही देंगे। यूट्यूब पे ट्रेलर रिलीज होते ही पहले आधे घंटे के अंदर ही लगभग 1.2 मिलियन के ऊपर लोग इसे देख चुके थे। पठान के बाद में शाहरुख खान की ये दूसरी मोस्ट अवेटेड फिल्म है जो सिनेमाघरों में 7 सितंबर को आने वाली है। फिल्म में एक्शन तो भर भर के हॉलीवुड स्टाइल देखने को मिलने वाली है। हैंड टू हैंड कॉम्बैक वाले सीन फिल्म को एक अलग ही एक्शन का लुक देने वाले है। 2.46 मिनट के इस ट्रेलर में लगभग एक भी ऐसा सीन नहीं आया जहाँ पे लोगों ने अपनी पलक झपकाई हो। तो दोस्तों, शाहरुख खान की जवान का ट्रेलर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए ट्रेलर के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।